आजा भैया तू भी सुन ले, हम सब हो गए स्वच्छता से परेशान, आए हैं आपसे मुसीबतों का करने समाधान, आए हैं लेके गांधी मोदी जी का स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, 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 स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। अरे भाई तूने बाइक लिया? बाइक तो लिया, तो पार्टी वोटी देगा कि नहीं हमको? काय के पार्टी में तो बाइक लिया, कौन सा पार्टी दो? हमको पार्टी चाहिए, पार्टी 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 पार्टी। ए चुप रहो, खाली पार्टी पार्टी चिल्लाते रहते हो। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। पार्टी लोगे? हाँ। लेके आ, जोर से बोलो, पीट नहीं होने चाहिए। गाना बजी बोलते, मुंशी पाटिल लोग साफ नहीं करते, मुंशी पाटिल लोग साफ नहीं करते, ये कचरा तुम्हारे बाप साफ करेगा? अबे बाप को क्या बोलते, जो बोलना मेरे को बोलना। अरे तेरे बाप क्या करते थे? अबे हमारे बाप तो करते हैं, गांधी जी मोदी जी जो हमें स्वच्छ भारत सिखा रहे। तुम भी अपने बाप का नाम रोशन करो, तुम भी स्वच्छता अभियान करो। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान। बीमारी होती है, मच्छी होती है, फिर मच्छी खाने में आते, खाना खाते हैं, क्या बीमार हो जाएगा? अंदर जाएगा, बाहर जाएगा? अंदर जाएगा। आपको पढ़ना नहीं आता है क्या? क्या घूमना मना लिखा था वही आप लोग घूमते और देश को गंदा करते, आप लोग की वजह से देश गंदा होता है। दूसरी बात आप दिखनी नहीं चाहिए, इस बात से गलती हो गई, अपने आप की गलती नहीं हो। जहाँ थूकना मना लिखा था वही हम लोग थूकते, जहाँ कचरा फेंकना मना लिखा था वही हम लोग कचरा फेंकते, यानी कि हम लोग कचरा। सफाई करने वाला सफाई वाला, भाजी बेचने वाला है भाजी वाला, चाय बेचने वाला चाय वाला, फल बेचने वाला फल वाला, तो हुए ना हम कचरा। जमीन बेच दूंगा या आसमान बेच दूंगा, गोरी तेरे प्यार में सारा जहान बेच दूंगा, ये जमीन और आसमान के तेरे बाप पे तुझे उसको
देखो शायरी बोलने नहीं आता है, मैं शायरी बोलता हूँ। ये कचरा साफ कर दूंगा, ये गंदगी मिटा दूंगा, ये कचरा साफ कर दूंगा, ये गंदगी मिटा दूंगा, बोली तेरे प्यार में स्वच्छ भारत बना दूंगा। सही है, हमें कहीं भी चलते फिरते कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कचरे के डस्टबिन में ही कचरा फेंकना चाहिए। भारत से लेके गए और भारत को ही बदनाम कर रहे हैं। हम भी तो दो तरह का कचरा रखते, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा रखते तो हो, पर लोग डिब्बे में डालिएगा नीचे फेंकते, नीचे गंदगी और फैलती है और इसके कारण गंदगी फैलती है और लोग बीमार होते हैं और बहुत सी बीमारियां भी होती है। बात बहुत ही छोटी है, छोटी है। बापू की अपना रोटी है, रोटी है। अकल हमारी मोटी है, मोटी है, मोटी है। हर इंसान बन गए नादान, हम खुद ही खो देते हैं अपना कब्रिस्तान। क्या यही तो बापू का सपना, क्या यही तो बापू का सपना। कब जागेगा हिंदुस्तान, कब जागेगा हिंदुस्तान, कब जागेगा हिंदुस्तान। भाइयों और बहनों, हमें दो तरह का अलग अलग करके कचरा रखना चाहिए, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा। गीले कचरे में जैसे साग सब्जी के डंठल, साग सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, बचे हुए खाद्य पदार्थ, यह हमें गीले कचरे में रखना चाहिए जिसका हम खाद में उपयोग करके हमें फसल उगाने में सहायता हो। और सूखा कचरा, सूखा कचरे में जैसे प्लास्टिक के थैली, प्लास्टिक के बोतल, ये सब हमें सूखे कचरे में रखना चाहिए जिसका हम दोबारा उपयोग करके हमें फायदा हो। और आप सबसे चाहूँगा कि आप सभी लोग भी हमको इस स्वच्छता अभियान में सहयोग करें। आज नेताजी के आने की खुशी पे हमें एक छोटा सा देश बना, पड़ गया नाम भारत का अभियाने।
बेटा तेरा ही डायलॉग मेरे। सबको अभी हमारे साथ ये गाना गाना है, सब बच्चों को। चलो मिल के चले, चलो मिल के चले। Thank you.